नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एट्रिया जानकारी में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ कि अब पहली बार एक ऐसा मोबाइल लॉन्च किया गया है जो कि फोल्ड हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत ही जानी मानी कंपनी, फेमस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि सैमसंग है। तो इस प्रकार से मैं बता दूँ कि इसके पहले भी एक मोबाइल लॉन्च हो चुका है, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था, फ्लेक्स पाई नाम से था। तो वो भी एक मोबाइल, वो भी फोल्ड होने वाला मोबाइल था, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट था। और जब क्या है, उसमें जब फोल्ड करते थे तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती थी, उस वजह से उसको ज़्यादा मतलब कि रिव्यू नहीं मिल पाया, यूज़र रिव्यू उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाया, तो उस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। तो जो ये अभी जो सैमसंग के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया है, तो ऐसा लगता है कि ये ज़रूर कुछ सक्सेस कर देगा और ये अच्छा मोबाइल चलेगा, क्योंकि ये जानी मानी कंपनी सैमसंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप इसी मोबाइल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं कि ये मोबाइल कैसा दिखता है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है और इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसका प्रोसेसर क्या है, उसकी कैमरा क्या है, सबकी जानकारी मैं आपको यहां पर विस्तार से दूंगा। तो बने रहे मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना स्टनिंग लुक है, बहुत ही शानदार लुक है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा बता दूं कि इसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही शानदार है। सबसे पहले बता दूं कि ये इस मोबाइल का, इस स्मार्टफोन का सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह पहला स्मार्टफोन था जो सैमसंग के द्वारा बनाया जा रहा था, जो कि फोल्ड होने वाला था। तो आखिरकार वो फ़ोन लॉन्च हो ही गया है। तो मैं बता दूं, इस फ़ोन का नाम सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड रखा गया है। तो यह कंपनी का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि फोल्ड हो जाता है। तो मैं इसको बता दूं कि सबसे पहले मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात बता दूं, तो सबसे पहले मैं इसके स्टोरेज के बारे में बताऊं, तो इसकी जो रैम है वो 12 GB रैम है और इसकी रोम 512 GB की है, मतलब कि इसमें स्टोरेज बहुत ही अच्छी है, काफ़ी स्टोरेज दी गई है। और इसके अलावा मैं बता दूँ कि इसमें दोनों साइड AKG सपोर्ट वाले स्पीकर दिए गए हैं, जिससे कि बहुत ही क्लियर साउंड आता है और लाइव साउंड, जिसे लाइव साउंड की तरह होता है, जैसे कि रियल साउंड आता है उसमें। और उसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें जो स्मार्टफोन है, ये टैबलेट के रूप में भी बदल जाता है, इसको मतलब जब फोल्ड करके इसको फोल्ड निकालते हैं, खोलते हैं, तो ये एक टैबलेट की तरह हो जाता है, और जो कि बहुत ही शानदार लगता है। इसमें डिस्प्ले काफ़ी बड़ी हो जाती है। और इस प्रकार से बता दूं मैं, इसमें 6 कैमरे दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना शानदार मोबाइल लग रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पहले वाला जो दिया गया है सेट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट की डिस्प्ले है, और जब इसको खोल देते हैं तो उसके बाद जो बीच वाला जो आप देख रहे हैं, ये खोलने के बाद स्मार्टफोन की सीन है। और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं बाजू में तीसरे नंबर का दृश्य, वो बीच वाला मीडियम दिया गया है, जैसे कि इसमें जब खोलते हैं स्मार्टफोन को तो किस तरीके का लगता है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। उसके अलावा बता दूं मैं इसमें क्या, 6 कैमरे दिए गए हैं, तो इसमें जो सबसे आगे कवर पर भी एक कैमरा दिया गया है जो कि 10 MP का है, और इसके बीच में 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें कि एक 10 MP का है, दूसरा 8 MP का है, और उसके पीछे 3 कैमरे दिए गए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर इस स्मार्टफोन में 6 कैमरे दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूँगा, जो सामने वाला कैमरा है 10 MP का, वो सेल्फी कैमरा है, और जो बीच वाला जो 2 कैमरे दिए गए हैं 10 MP के और 8 MP के, तो उसमें जो 8 MP वाला कैमरा है वो डेप्थ वाला कैमरा है। और इसके अलावा जो पीछे कैमरा दिए गए हैं, उसमें 16 MP और 12 MP के 3 कैमरे हैं। तो इसकी मैं आपको कैमरे की डिटेल से बाद में बात करूँगा, पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो प्रोसेसर है, बहुत ही शानदार प्रोसेसर इसमें डाला गया है प्रोसेसर, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 855 होगा, जो कि 7 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 7 नैनोमीटर का इसमें प्रोसेसर है, ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि 10 नैनोमीटर से छोटे वाले प्रोसेसर काफ़ी दमदार होते हैं, और उसमें 64 बिट वाला प्रोसेसर है और ऑक्टा क्रोर प्रोसेसर है, मतलब कि ये काफ़ी दमदार प्रोसेसर है। उसके अलावा मैं इसकी बैटरी बता दूं, तो इसकी बैटरी 4380 mAh की बैटरी है, हालांकि ये बैटरी कम लग रही है, पर इसमें कुछ ऐसा ऑप्टिमाइजेशन किया गया होगा कि जिससे कि ये एनर्जी का कम वो करे, यूज़ करे, और उसका बैकअप ज़्यादा हो। और इसके अलावा बता दूं मैं एंड्रॉइड वर्जन में, तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन 9 Pie दिया जाएगा, जो कि एंड्रॉइड 9 पर आधारित है, और ये भी एक नया अपडेटेड वर्जन है। और इस प्रकार से मैं बता दूं कि इस फोन की कीमत जो है वो $1980 के करीब होगी, मतलब कि भारत में 1,40,000 रुपये के आसपास होगी। और इसकी पहली बिक्री मैं बता दूं आपको 26 अप्रैल से स्टार्ट होगी, और एक गिने चुने बाजारों में ही अभी उपलब्ध होगा, उसके बाद वो सब जगह उपलब्ध हो जाएगा। और इसके अलावा बता दूं, तो देख सकते हैं आप कितना शानदार देखने में लग रहा है मोबाइल।
स्मार्टफोन। उसके अलावा पर बता दूं मैं आपको इसके कैमरे के मैं बारे में आपको बता दूं डिटेल से, तो जो उसके पीछे वाले कैमरे हैं इसमें तीन कैमरे हैं, 12 MP, 12 MP और 16 MP के। तो जो 16 MP का कैमरा है वो वाइड एंगल कैमरा है, और जो 12 MP का एक कैमरा है वो वाइड एंगल कैमरा है और वो डुअल अपर्चर वाला है, और जो एक 16 MP 12 MP वाला एक और कैमरा है वो टेलीफोटो कैमरा है, मतलब कि उससे टेलीफोटो मतलब कि पास दूर की भी अच्छी फोटो उससे ली जा सकती है। और इसके अलावा मैं बता दूं जो फ्रंट कैमरा है उसमें जो 10 MP का जो कवर पर दिया गया है फ्रंट कैमरा वो अच्छा कैमरा, उसका अपर्चर मतलब कि फोकस 2.2 का है, और जो 8 MP का कैमरा है वो डेप्थ कैमरा है, मतलब कि वो थोड़ा अच्छे से पिक्चर क्वालिटी में सुधार लाएगा। और इसके अलावा जो एक और मतलब कि जो बीच वाला 10 MP कैमरा है वो भी एक अच्छा कैमरा है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इस प्रकार से सभी कैमरे मिलकर पिक्चर क्वालिटी को बहुत ही शानदार बनाएंगे, तो ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन बहुत ही दमदार निकलेगा और मार्केट में अपनी अच्छी जगह पकड़ बनाकर रखेगा। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें जब क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि इसको जब फोल्ड करते हैं तो ये एक छोटे मोबाइल की तरह हो जाता है, मतलब स्मार्टफोन की तरह हो जाती है, जिसकी डिस्प्ले 4.6 इंच की होती है जो कि HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और इसके अलावा जब इसको आप फोल्ड से अनफोल्ड करते हो, खोलते हो, तो उसके बाद इसकी डिस्प्ले बढ़कर 7.3 इंच की हो जाती है जो भी एक एमोलेड डिस्प्ले है। और इस प्रकार से ये इसकी डिस्प्ले काफ़ी बढ़ जाती है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये मोबाइल काफ़ी सुपर मोबाइल है। और ये थी मेरी आपकी आज की वीडियो, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में फेसबुक व्हाट्सअप सभी जगह शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों को इस नए मोबाइल के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इस प्रकार के मोबाइल की जानकारी दूसरों को दे सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।